सारी कायनात के अंदर सारे इंसानों की तारीख को अपने नजरों के सामने रख लो। हर इंसान के जिस्म से पसीना निकले तो बेतरतीब निकले, इधर उधर बहे, लेकिन तनहा एक झांक हम सबके आका की है, आमना के लाल की है, दो आलम के सरकार की है कि मुस्तफा जाले रहमत के जिस्म अतहर से पसीना निकलता तो पसीना निकलने का हाल यह होता था कि सहाबा ये कहते हैं मैं नबी ये दो जहां की पेशानी मुकद्दस को देखता तो ऐसा लगता था कि जैसे चांदी के प्लेट में किसी ने सोने की मोती को ला करके रख दिया है, पेशानी मुस्तफा पर वो पसीना बिल्कुल जम जाता था। हम सब देख करके खुशियों में झूमते थे और सहाबा उसी पसीने को लेकर के अपने अपने बर्तनों में रख लेते थे, और जब कोई सहाबी उस पसीने मुस्तफा को लगा लेता तो हम तो क्या, जब तक वो नहाता नहीं खुशबू ही खुशबू आया करते थे। यहाँ तक कि नबी पाक की बारगाह में सरकार की एक सहाबिया तशरीफ ले जाती है और जाने के बाद में अर्ज करती, आका गर्मी का दिन तो था ही, नबी ये दो रहा कि वो सहाबिया पहुंच गई। पहुंचने के बाद में अर्ज करती, आका घर में शादी है, सबका इंतजाम हो चुका है, ऐ आकाए कायनात आप खुशबू इनायत फरमा दे। हम सबके मुस्तफा कहते हैं ऐ उम्मे सुलेम क्या कोई बर्तन लेकर के आई हो? अर्ज करती, हाँ आका मैं बर्तन लेकर के आई हूँ। सरकार बैठते हैं बकर शरीफ के पास, अपने दस्ते मुकद्दस को ले जाते हैं, वहां से पसीने के कतरे को निकालते हैं, बर्तन में डाल देते हैं। ए मेरी प्यारी सहाबिया ले जा दुल्हन को लगा दे। जवान के हम सबके आका का पसीना जब दुल्हन को लगाया गया तो दुल्हन ऐसी महकने लगी कि जिस रास्ते से दुल्हन गुजर रही है वो रास्ता महकता है, वो गली महकती है। रवायात में आया है कि उस दुल्हन के शिकम से जो भी बच्चे पैदा होते थे सबके सब खुशबूदार पैदा हुआ करते थे। तभी तो बरेली के ताजदार बोलते हैं, सुन्नियत की शान बोलते हैं, मोहब्बत की पहचान बोलते हैं, साहिबे कंजे की ईमान बोलते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बोलते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना मांगे न कभी इधर न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो नबी ये दो जहां अली से बेकसा का नूरानी पसीने मुकद्दस है, आपके भी जिस्म से पसीना निकलता है, इस नाचीज के जिस्म से भी पसीना निकलता है, लेकिन हमारे और आपके पसीने का हाल क्या है कि पसीना निकले तो बदबू हो और आकाए कायनात के जिस्म अक्दस से पसीना निकले तो खुशबू हो। हमारे पसीने से बदबू आए, आकाए कायनात के पसीने से खुशबू आए, हम थूके तो बीमारी फैले, आकाए कायनात का लुआब लगे तो अल्लाह ताला शिफा दे दे, बीमारियां दूर हो जाए। अरे जब इतनी सारी खूबियां तो ही बस में नजर आती है, फिर नबी ये पाक का दीवाना क्यों नहीं अपने आका की मोहब्बत में कहेगा आप मुख्तार ज़मन शाह उम्म सरवर दी आप सा कोई समझ में बात आ रही है। अरे भाई बोल दिए सुभान अल्लाह। एक बार आका हुसैन की मोहब्बत में कह दो या हुसैन, बुलंद आवाज से बोलो करबला शरीफ से मेरा आका हुसैन देख रहा है। मौसम की नजाकतों को मत देखो दीवानो, भीगते भीगते आओ, बारिश तो आना ही है और ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की रहमत है। हदीस पाक में है जब अल्लाह की रहमत बरसती है और उस वक्त अल्लाह का बंदा कोई नेक काम करके दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो बारिश तो हो उससे घबराना नहीं है। बताना है मौसम तू भी अपनी ताकत को देख ले, हम भी अपनी ताकत को लगा करके दुनिया के लोगों को बता देंगे मौसम ने रोकना चाहा मगर नबी का दीवाना गौस का मस्ताना शहीदी आजम का चाहने वाला रुका नहीं है, बल्कि टक्कर के महफिल हुसैन में पहुंच करके ये साबित कर दिया है कल भी हम हुसैन के थे आज भी हम हुसैन के हैं, सुबह कयामत तक हम हुसैन आजम शहीद करबो बना के रहेंगे। ऐसी मोहब्बत बनाओ कि मेरा आका हुसैन मैदान करबो बला में आराम फरमा हुसैन, ऐसे हाल को देख करके मुस्कुरा
थे, अरे बाबा ये मेरे दीवाने धमतरी के जामा मस्जिद के शहर में बैठ करके मुझको याद कर रहे हैं, इनके हर जायज मकसद की दुआओं की कामयाबी की दुआ फरमा दो। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। जब भी कोई बात पसंद आ जाए तो अपने अपने तौर पर अपनी बेदारी का सबूत देते रहिए। ये हमारे वलमा सरपरस्ती फरमा रहे, इनकी करम फरमाइया हैं, इनकी नवाजिशें हैं। मैं इनके नामों का जिक्र क्या तकरीरों में करूं, ये खुद आला शान वाले, आला मकाम वाले, आला रुतबे वाले, किसका नाम लें किसका छोड़ दें, सब हुसैनी हैं, सब कामयाब हैं। हम जानते जिनका जिक्र हो रहा है उन्हीं की बात हो जाए तो हमारा भी बेड़ा पार है और आपका भी बेड़ा पार है, हमारा भी आना कामयाब है, आपका भी आना कामयाब है। हमने आकाए कायनात के पसीने मुकद्दस की बात की है कि सरकार के पसीने का एजाज ये कि सरकार का पसीना अगर दुल्हन को लगा दिया गया तो दुल्हन के जिस्म से खुशबू आना शुरू हो जाए, दुल्हन जहां बैठ जाए वहां से भीनी भीनी खुशबू निकले और उस दुल्हन के जिस्म से जो भी बच्चे पैदा हो सबके सब खुशबूदार पैदा हो।